नहीं रे, ग्रुप पे भाई मैंने वो ग्रुप रिकॉल कर दिया ना, ये शायद कैमरा ऑफ है उनका। नहीं, उनके बच्चे ने किया होगा, वो ऐसे ही करती है। क्या कर रहे हो आप? अरे कल टाइम ही नहीं मिला ना। क्या कर रहे हो अभी आप? चंगा कुमी के बारो गुवाहाटी दे नहीं पॉकेट मारी मांगा। आना पिज्जा सारे दिख रहे भाई। यहाँ आंगनो इधर से डोना नंग नहा लोगों ने डोमिनोस कैसे तुम आर एन होते किसा उधर खाई थी दिन से रुकू मुझे मीडियम साइज। योगी ताकि दोसा चलो तंग थांग फाइगे ना बाद बाय। ơi Sanya, sao mà cứ cười khà, bao giờ ta sẽ nâng tao vô, nó khỏe chưa, lúc mới mãi chẳng, hai chung mang tổng ơi, hoài sao hả, ta nâng gồm, ta sẽ nâng ăn nè. Nè Có sớm không? Nhưng bài đem bố phải cả sao? sao phải cho tim xe Sao là sẽ đem video có khai năng ê con mà ngô muốn đi chắc nào đi đứng đi hai đứng đi ô ấy luôn nó sẽ nói cho chịu bộ quay sang mang sang mang cái khác cái này tập hả ini pukul si video call kayak cerah. Hei, dah merana hinjak pakai. Simbar nanya bay, simbar temu saka. Iko, Iko. This is our bar. Now this is Bisna. And ang chan ya apa macam yang kan di pun ada macam yang kan kuai boy school look lock ma pukul tam sama payo sama payo akon bye asik मास्टर मास्टर का 40 मार्क्स नंगा नहीं छाई जन वोडो ए 1 मार्क ए 2 टाइम फिर फाइनल है गैस कहाँ सब तक ऐसे सिखाने 5 6 5 जोतन तो है देखूं डा क्या फंस गए ये का 5 बजा क्यों बचा बकां करो ना बच कौन है 3 बजा अरे बकां करो ना गला bài tay nữa chẳng ta một đồ ra phòng khác này mà chẳng mức hàng của nó mà mở sao group ase đi bài nó mà ta cho ta nó sao bây giờ đi bài mà đây đi cô mình xin đi lẹp mô mô hành việc tí nữa nó mới xin đi lẹ đà nè nè ta cả hai ta chơi trò này cả nè đi chỗ má phòng kha nè bà vẫn mãi tiền khai thì má sáng kia được cái xong rồi chỗ mình yo nghe nó không bao sum đâu kha ba anh đi cái tàu khăn đó anh
এই আগাম ভাবছি না পাইছে আর মানে টেনিন রি রাখছো ওইটাম আনি রি নিকালা নিন দিব হাত থামাই গেলে আং থাকা একটা ছাপ মুখে ছাপ রুজাই বিশি হাফ যাক না রে ফাইটা মর গেল আই কর্ম নি তো নি পাইছিনা নি বাসি কনা অকদিন নি ইয়ম রে গরে নি গুন হারে উল্টা রং ন খা আই নি ইয়ম বডি সিলি লাগে তা কিন আই নি ইয়ম না না মাকে কি খা দেছি ন ক বড়া বং বন ও ই বং ফাটার सो आज मैं बना रही हूँ ब्रिंजल बॉयल। तो इसमें मैंने फर्मेंटेड फिश और चिल्ली ग्राइंड करके ऐड किए हैं, तो बाकी कुछ नहीं ऐड किया गया, बस सॉल्ट ऐड किया गया है और थोड़ा सा भी टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी। देन इसको ये जब हो जाएगा तब गार्लिक थोड़ा क्रश करके दे दूंगी। बस हो गया, मतलब हो जाएगा ये जो है क्या बोलते हैं इसको फांतोक बदरी मीन्स वॉयल ब्रिंजल। हाँ, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी पोटैटो का भरता। देन पोटैटो पहले बॉयल कर चुकी हूँ और ये एकदम से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है, लेकिन इसमें मैं जो होता है ना बर्न करने के बाद जो फ्लेवर आते हैं वो लाने के लिए मैं इसको फिर से बर्न कर रही हूँ। और इसमें इसके लिए चिली बर्न करना ज़रूरी है एंड मतलब रोस्ट करना ज़रूरी है, और इसको भी फर्मेंटेड फिश को भी रोस्ट कर लेना ज़रूरी है, रोस्ट कर लेना ज़रूरी है। हाय हाय हाय। तो मैं बनाऊंगी एक ऑमलेट, तो स्पॉन्जी वाला ऑमलेट बनेगा। देन इसके लिए मैंने टमाटर लिया है, ऑनियन लिया है एंड ग्रीन चिली लिया है। तो इसको ग्राइंड कर लेना है, नमक हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो है थोड़ा स्पाइसी होगा इसलिए थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, देन क्या बोलते हैं उसको ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा बस आप लोग स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी। तो इसको ग्राइंड कर लेना है पहले अच्छे से। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, तो पहले इसको ग्राइंड कर लेना है। अंडा इसको फिर से ग्राइंड कर लेनी है, बस एक एक विंग चलेगी, एक विंग चलेगी। देखिए ये यहाँ गिर गया, बस एक बार गूं करके फिर ऑफ कर देना था, लेकिन ये ऑलरेडी ऑन था। तो यहाँ मैंने ऊपर बोर्ड का स्विच जब ऑन किया तो ये बहुत सारा चक्कर लगाने लगा, देन ये हाल हो गया। मतलब एक विंड में आपको ऑफ कर देना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। तवे के ऊपर टाइम ले रहा था तो मैंने यहाँ रख दिया है पोटैटो, क्योंकि थोड़ा सा ही तो फ्लेवर लाने हैं, स्मेल। तो इसको ऊपर से ऐसे बर्न कर लूँगी तो वो ही फ्लेवर आएगा ना, बर्न वाला फ्लेवर, जैसे कि बचपन में खाते थे घर में चूल्हे में जो बर्न किया जाता था उसे से बनता। तो विंटर में बहुत ही अच्छा लगता है ना ऐसे खुशबूदार बर्ता वगैरह, हाँ इसलिए। ओए सो देखिए ये अच्छे से सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है सब अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और फिर इसको सारे मतलब इसका छिलका निकाल के फिर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है, और साथ में ऐड होगा क्या बोलते हैं इसको, गार्लिक, कच्चा गार्लिक। तो बन जाएगा हम लोगों का बर्ता, बस यही है। सो देखिए ये अंडा जो मैंने ग्राइंड की थी ऐसा हो गया है। तो अभी मैंने तवे पे तेल गरम कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल। तो फिर यह फ्राई हो गया ना, इसे डाल देना है ऐसे, फिर लो फ्लेम में रख देना है। और हाँ इसको ढक के रखना ज़रूरी है, तो ढक कर रख देंगे। देखिए कितना अच्छा स्मेल निकला है इसमें से। तो ऊपर वाला जब ऐसा हो जाएगा थोड़ा फुला फुला तब इसको टर्न कर देना है। टर्न करते टाइम
मैं 3 पीस में बांट लेती हूँ ना। हाँ ऐसा रहेगा। अच्छा एक्चुअली आओ मत गिरो प्लीज प्लीज। हाँ हो गया। और ये आओ हाँ तो इस साइड को भी होने देंगे, तो फिर से ढक के रखना है। और यहाँ ब्रिंजल बॉयल भी बन चुका है, तो मैं यहाँ पे गार्लिक क्रश करके क्रश कर लिया है, गार्लिक ऐड कर देती हूँ और थोड़ा और 1 मिनट तक तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ, फिर गैस ऑफ कर लूँगी। और यहाँ बनके रेडी है हम लोगों का मसाला एग फ्राई, स्पॉन्जी एग फ्राई। एक्चुअली मैं ये रेसिपी अचानक से दिमाग में आया कि ऐसे बना के देखती हूँ, तो जब ये वो था गुल था, मतलब राउंड शेप में था, तब ही मुझे कट कर लेना चाहिए था अच्छे अच्छे आकार देकर। तो टर्न करते टाइम मुझे इतना मेहनत नहीं लगती, हालांकि मेहनत नहीं लगी इतना ज़्यादा, लेकिन ये वाला जो है ना इसका शेप थोड़ा ख़राब हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगी तब पहले से ही मैं किस शेप में लेना है मुझे अच्छे अच्छे से कट कर लूँगी। तो देखिए स्मेल तो बहुत ही अच्छा निकला है इसका ना, और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकती थी लाइक कैप्सिकम, देन वो क्या बोल ऐशो कोरिएंडर लिप्स वगैरह, लेकिन नहीं है अभी घर पे, कल मार्केट जानी होगी, तो वही घर में जो था उसी से मैंने ऐसे ऐसे रेसिपीज आज का जो खाना है बना दिया बस। यो जो रिचार्ज प्लान तो जो तुम पारे रेवे खदाम। सो 7:40 हो चुका है, मैंने अपने डिनर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बिकॉज ऑफ कल मैं वीडियो अपलोड पे डाल के सो गई थी, यूट्यूब पे वीडियो अपलोडिंग पे रख के सो गई थी, देन मेरा रिचार्ज खत्म इन द सेंस ना रिचार्ज खत्म मतलब मेरा वैलिडिटी जियो का ख़त्म हो चुका था, तो अपलोड नहीं हो रहा था। आज देखा तो अचानक से अपलोड नहीं हो रहा था, तो बाद में मैसेजेस चेक किया तो पता चला कि वैलिडिटी ही ख़त्म है, तो अभी को कहा कि रिचार्ज करवा के देने के लिए। तो एक्चुअली शायद मैंने कल रात को भी कहा था अभी को, लेकिन सुबह मुझे ही याद नहीं रहा, और कल रात को उन्होंने कॉल भी किए थे मुझे कि तब मैं नींद में थी तो मैंने ज़्यादा बात नहीं की, रख दी थी। और फिर क्या हुआ, जियो ने ना सारा रिचार्ज का जो प्लान है वगैरह है सब चेंज कर लिया एकदम से, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, वो है ना ओ भाई मारो मुझे मारो वैसा वाला। तो फिर एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, क्या क्या बदल दिया, तो वही ना। तो फिर 599 वाला रिचार्ज भी अभी 666 समथिंग ऐसा कुछ हो गया, वो तो अभी रिचार्ज करवा के दिए हैं। और फिर उसके बाद कल वाला वीडियो समथिंग 2 GB वाला था मेरा वीडियो, अब यूट्यूब का जो मैं डाली थी तो वो तो अपलोड हो गया, देन सारा जो डेली डाटा है वो ख़त्म। तो मैं पहले क्या करती थी, मुझे तो एक्स्ट्रा लग जाते थे ना डेली डाटा के जो छोड़ के भी, तो अभी मैं एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना चाहिए एडिशनल डाटा, तो देखा कि 151 वाला भी फुश गायब। तो क्या घाटे में जा रहे हैं क्या जियो वाले, मतलब ऐसा अचानक से सारा रिचार्ज बढ़ा रहे हैं सब कुछ, या फिर ये मतलब पहले हम लोगों को, हाँ वो तो समझ में आता है पहले फ्री इसलिए दिया था ताकि हम लोग इस पे आदत हो जाए इसका, मतलब अच्छे अच्छे मिल रहा है यहाँ पे ये सब कुछ। हाँ वैसे ये भी नहीं है कि अच्छा वो नहीं देता सर्विस, नहीं देता, देते हैं अच्छे सर्विस ऑफर वगैरह। हाँ लेकिन अचानक से इतना बड़ा क्यों दिया प्राइस वगैरह एंड चार्जेस वगैरह, घाटे में जा रहे क्या जियो कंपनी, मुझे पता नहीं। हालांकि घाटे में तो नहीं जाना चाहिए, सबके पास तो आदत लग ही चुका है जियो सिम यूज़ करने का। आई डोंट नो एनीवे जियो वाले मेरी ये ब्लॉग देखेंगे भी नहीं और जवाब भी नहीं देने वाले। एनीवे आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। एंड शायद मैं आज का ब्लॉग आज एडिट भी कर लूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पाऊँ, कल कर लूँगी। एंड रेजोल्यूशन थोड़ा कम रख के मुझे अभी अपलोड करनी होगी, एडिट करते टाइम ही मुझे रेजोल्यूशन थोड़ा कम रखनी होगी एडवांस्ड वाला जो।
वरना डाटा खत्म होता जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद होता जाएगा। वैसे भी व्यूज तो आते ही नहीं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा, और वे एक्चुअली मेरी ही गलती है। लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा 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 से करके शेयर करते हैं, मुझे मैं शेयर नहीं करती इस वजह से। तो कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आया अभी तक मेरी। शेयर करते रहो, जो है जितना है वही है, देखते हैं आगे क्या होता है। एनीवे गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।